तो कैसी बनी है ये बेसन की कढ़ी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन कढ़ी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेसन कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी थोड़ी सी कम बेसन लिया है जो कि वेट में लगभग 70 ग्राम के आसपास है, और उसे पानी डाल के, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम इसे इसका अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ी सी आधी कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, इसका घोल तैयार करेंगे ताकि इसमें गांठे ना आने पाए। गांठे आने से इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल के आप इसे अच्छे से मिलाते रहें। तो थोड़ी और पानी डाल के हम इसे इसका पतला घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने दो कटोरी और पानी डाला है फ्रेंड्स, इसमें पूरे हमने 3-3.5 कटोरी पानी डाला है इसमें। तो अब हम दही लेंगे, तो दही भी हमने लगभग 70-80 ग्राम के आसपास लिया है, उसे भी अच्छे से हम फेंट लेंगे। दही को पहले ऐसे थोड़ी सी फेंट लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी पानी डाल के अच्छे से इसे मिला के, ताकि ये जो फेंटी हुई दही है हमारी जो कढ़ी बनेगी उसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है ये। बगैर फेंटे हुए डालेंगे तो वो कढ़ी जो बनेगी बिल्कुल फटी फटी सी बनेगी, दिखेगा दही। तो ये देखिए, हमारा दही का भी घोल तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में फ्रेंड्स। तो हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है और 1/2 चम्मच सरसों और 2 से 3 हमने सूखी मिर्च का तड़का लगाया है, और उसके बाद हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के इसमें डाला है। उसे थोड़ी सी भुनने के बाद हम सारे मसाले को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब्जी मसाला और ये बिल्कुल थोड़ी सी धनिया पाउडर, और सारे मसाले को डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से हम भून के तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार से ये देखिए, मसाले को चलाते रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से मसाला हमारा लगभग तैयार हो रहा है। तो इसे चलाते रहेंगे, मसाले को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा फाइनली अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें हमने जो घोल तैयार किया था वो बेसन का, वो डालेंगे। तो ये देखिए, हमने डाल दिया। उसके बाद इसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी नमक यहाँ पे ऐड कर लिया है, नमक हमने पहले नहीं डाला था। तो अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि आप जो इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये जो है, ये हमारा जो कढ़ी बनेगी ये बिल्कुल फट जाएगी। तो इसे फ्लेम को लो कर दें और इसे लगातार चलाते रहें तो ये बिल्कुल गाढ़ी बनेगी और ये फटेगी भी नहीं। तो आप इसी तरह से लगातार आपने चलाते रहना है। तो लगातार चलाते रहने के बाद कुछ इस प्रकार से ये देखिए गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम पानी थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, 1 कटोरी और। तो हमने इसमें लगभग 1 कटोरी से थोड़ी कम बेसन थी, इसमें लगभग 4 से 5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आप पानी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी हो थोड़ी सी कम पानी डालें। तो हमारा ये ग्रेवी बनने के बाद अब हम दही इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमारा दही हम ऐड करेंगे इसी लास्ट में फ्रेंड्स, क्योंकि दही हम ज़्यादा फ्लेम पे हम डालेंगे तो लगभग दही हमारी फट ही जाएगी। तो इसीलिए हम लास्ट में से बस 1/2 मिनट के लिए डाल के पकाएंगे, उसके बाद मिला देंगे। और लास्ट में हमने थोड़ी सी धनिया ऐड कर लिया है। तो दही मिलाते समय लगभग आप गैस को बिल्कुल लो ही फ्लेम कर दें, और 1/2 मिनट डालने के बाद मिला के आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी गाढ़ी बनी है। तो इसके लिए हम तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो तड़के के लिए हमने 1/2 चम्मच राई और 4 से 5 सूखी मिर्च को, साबुत सूखी मिर्च को हम इस प्रकार से तेल में थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर हम तड़का लगा देंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से आप टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बेसन कढ़ी बन के तैयार है फ्रेंड्स। थोड़ी सी हमें हरी धनिया से गार्निश कर दिया इसे, तो ये बिल्कुल लग रही है ना,
होटलों जैसी बेसन कढ़ी की रेसिपी। तो एक बार फ्रेंड्स आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो ये रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जिस तरह की रेसिपी आप आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।